वीडियो ब्लर आ रहा अच्छा ग्रुप में भेजा, वहां से लिखना। देखो बाबू आपको कल हम बाबू पूरा एक क्लास यही बताया था है ना, तो आज बताने की जरूरत है नहीं। क्या बताया था बाबू आपको? आइटम बताया था बाबू है ना। आइटम क्या होता है? किसी भी मैटर का बाबू जो सबसे छोटे का पार्ट होता है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट में कट करो, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जिसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते और ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आइटम कहेंगे। आप आइटम को जोड़ना शुरू करोगे तो आइटम को जोड़ेगा वो तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। जैसे यहाँ क्या हो गया, तो मॉलिक्यूल्स आइए, आपको तीन डिफिनेशन एकदम कंप्लीट होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर? एलिमेंट क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है ना, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। तो आइटम हो गया, जैसे ये ऑक्सीजन क्या है सर? आइटम है, ऑक्सीजन आइटम है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइटम जोड़ के क्या बनाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाएगा। आइटम कंबाइन होकर मेरा क्या बनता है बाबू? मॉलिक्यूल्स बनता है। आइटम कंबाइन होकर मेरा क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है ना, मॉलिक्यूल्स बनता है। ये जो बाबू वीडियो ऑन करो, आलोक से ऑन करो जी। ठीक, तो जैसे ऑक्सीजन आइटम सर ऑक्सीजन आइटम जो, ईशान को भी बोलिए ऑन करने। अरे उसका नेटवर्क, उसका पापा जी एप्लीकेशन दिए हैं ठीक है ना, उसका नेटवर्क नहीं रहता इसीलिए, नहीं तो उसको तो कूटेंगे भर पेट। नेक्स्ट हो, ये ऑक्सीजन आइटम ऑक्सीजन आइटम है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइटम तो जुटेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुट के क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेगा। सी एल सी एल जुट के क्या बनेगा? सी एल टू मॉलिक्यूल्स बनेगा। सी एल टू हो गए, दो हो गए, तो इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तीन ऑक्सीजन जुट गया तो ओ थ्री ओजोन होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ए अनुज बाबू ऑन करो जी, आर्यन ऑन करो। वो थ्री क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट समझना। जैसे एच ओ एच, तो एच हाइड्रोजन होता है, वो ऑक्सीजन होता है, एच हाइड्रोजन होता है, ये आपस में जुट के क्या बनेगा? एच टू ओ। एच टू क्या होता है? वाटर होता है। तो ये वाटर क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। वाटर क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। आगे समझना, एन एस सी एल टेबल साल्ट है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा? एन एस सी एल बनेगा। तो एन एस सी एल क्या होता है? टेबल साल्ट होता है, कॉमन साल्ट होता है, कोई सोडियम क्लोराइड होता है, सारा का सारा एक ही नाम है। तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। सी एच 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 क्या बनेगा? सी एच फोर बनेगा। क्या बनेगा? सी एच फोर बनेगा। गौरव कैमरा डाउन कर दीजिए। तो ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। ये भी सी एच फोर भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक, अब समझना आ गया है ना। तो यहाँ पे बाबू मॉलिक्यूल्स बन रहा, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ जब बाबू ओपन आई करके देखोगे ना जी, तो आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूल्स जब फॉर्मेशन हो रहा हो यहाँ पे, वो आग खोल कर देखोगे तो इसमें कितना तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? दो तरह के कॉम्बिनेशन। कैसे बाबू? यहाँ देखो सेम आइटम कंबाइन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? जो ब्लैक कलर का सेम आइटम कंबाइन हो रहा है बाबू। तो जब सेम आइटम बाबू कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, मान लो आइटम को जोड़ना है तो दो तरह से आइटम जुड़ सकता है सर, एगो सिमिलर आइटम जुड़ेगा, एगो डिफरेंट टाइप का आइटम जुड़ेगा। एक और वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो रिमूव कर देंगे। बैठ के शैतान खाली दांत दिखे ले। गौरव अब इसको 20 बार उठा बैठी करवाते हैं, बैठ के खाली गप के ले शैतान। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो अगर एक टाइप का आइटम जुटेगा बाबू, एक टाइप का आइटम जुटेगा है ना, एक टाइप का अगर आइटम जुट रहा है, यहाँ देखो एक ही टाइप का आइटम जुट रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, तो एक टाइप का आइटम अगर जुट रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स है, लेकिन क्या होगा? एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट क्या होता है वो? एलिमेंट क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुट जाएगा तो एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुटेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल्स जुट रहा है, बहुत सारे बाबू मॉलिक्यूल आइटम जुटेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब बहुत सारे मैंने जो मॉलिक्यूल्स बना उसमें अगर देखो एक ही टाइप के आइटम है, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जोड़ दोगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ब्लू कलर में क्या डिफरेंट आइटम्स है ना, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के आइटम है, तो ये मॉलिक्यूल्स बन रहा। अब मॉलिक्यूल्स को फर्दर अगर इसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। अनुज वीडियो ऑन करो, अरिंद बाबू ऑन करो, ठीक है ना? क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा ना, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया वो मॉलिक्यूल्स सब कंपाउंड, ये सारा का सारा क्या बाबू? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, लेकिन किसका मॉलिक्यूल्स है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स है ना। ऐसा ऐसा बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल ले आओ, बहुत सारा, एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी को सबसे छोटे का पार्ट क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स होगा। अब बहुत सारे बात मॉलिक्यूल्स जोड़ के मेरा क्या बन जाएगा? वाटर का क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। वाटर का क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या बाबू? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये क्या है? ये सारा का एक वो करोगे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड एलिमेंट बनेगा। तो एलिमेंट कैसे बनेगा? तो एक के टाइप आइटम जुट रहा है तो एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट टाइप का आइटम जुट रहा है तो क्या थे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। यही होता है और कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, बस यही होता है ना। नेक्स्ट, तो उसी को इंग्लिश में लिखा है, एलिमेंट इज द कंपोजिशन बाबू है ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम। एक टाइप का आइटम जुट रहा है, ये सारा का एक ही टाइप का आइटम जुट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट। किसका? मॉलिक्यूल्स का, एलिमेंट का है ना। एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये मेरा क्या बनेगा? कंपाउंड है ना बहुत, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेगा है ना। कंपाउंड का क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो यही होता है, ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता। शांतनी वीडियो बंद चालू क्या करे, व्हाट्सएप से लिखना है ना। कंपाउंड क्या बाबू? ये कंपाउंड इज मटेरियल बाबू फॉर्म बाय बाबू है ना, केमिकल का कम्बिनेशन ऑफ टू मोर डिस्टेंस आइटम है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट,
दो या दूसरे डिफरेंट आइटम मिलेगा है ना। ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम मिलकर बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे। क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे, है ना, कंपाउंड कह देंगे। आगे अब हमको क्या पढ़ना है बाबू, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ना है ना। तो दो वो लॉ है बाबू, कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है ना। तो वो बताने से पहले बाबू उसमें टर्म आता है ना, आपको कम से कम 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का एटोमिक नंबर, उसका वैलेंस या एटोमिक मास याद होना चाहिए ना। एटोमिक मास क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए 1 से 30 तक के सारे बच्चे का। तो वो वाला पहले लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जो सिलेबस टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है वो पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे लिखा बाबू है ना, नेम ऑफ एलिमेंट बाबू फ्रॉम 1 to 30, 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का उसका नाम लिखो, उसका सिंबल लिखो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक मास लिखो, है ना। शुरू करो है ना बाबू, शुरू करो लिखना। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। क्यों सर, क्योंकि बाबू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या होगा, यूज पड़ेगा एटॉमिक मास का, है ना, इसीलिए हमको लिखा देते हैं ना। इसको याद भी रखना है, इसको क्या करना है, याद भी रखना है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू, एक टेबल बना बाबू, क्या करो, एक टेबल बना भोला, एक टेबल बना और फटाफट लिखना शुरू करो। इसमें समझने वाला चीज नहीं है, डाटा है ना, जो समझने वाला था 3 क्लास से आपको समझा दिए है ना बाबू। अभी ये डाटा है, ये फैक्ट है। हाइड्रोजन को एच कहते हैं, हीलियम को है ना एच कहते हैं, लिथियम को एल आई कहते हैं, कहते हैं तो कहते हैं, ठीक। हाँ कहाँ तक याद है ज्योति, एटॉमिक नंबर कहाँ तक याद है जी ज्योति, सर, कहाँ तक एलिमेंट का नेम याद है? हाँ नेम याद है और उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है शैतान, कैसे जिंदगी कटेगा बाबू, सर, कट जाएगा उस तरह से नहीं ना, तो जूता चप्पल खाते हुए कटेगा ना बाबू, राज साहिब वाला नहीं जिंदगी के नहीं लिए सर, स्ट्रगल। किससे जूता चप्पल कटेगा, मारेगा कौन? हाँ बाबू अभी कहाँ, अभी थोड़ा सा बड़ी हो जाओ फिर देखो कैसे होता बाबू, जिंदगी क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, टेबल बनाएंगे है ना। टेबल बनाएंगे, इधर क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे है ना, ठीक। इधर क्या लिखेंगे, सैम्बुल लिखेंगे, ठीक। फिर एटॉमिक नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। टेबल बनाओ सर, हम भरो लोग के जल्दी बुक से। में 20 तक ही दिया हुआ है। तो ये कंसेप्ट क्लास है ना बाबू, हम लोग ज्यादा पढ़ाते हैं ना, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। सही बात तो है। आप मिनिमम लोग के बाबू कितना तीस याद रहना चाहिए सर? तीस 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू, जब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर है वहां पे बताएंगे, उसका पूरा 5-6 क्लास का सर चीज लिख है दिए वो। ना सर, एटॉमिक लिख दिए सर, जरूरी है सर। मास कैसे नापेंगे, अरे लिखने से क्या फायदा हो, समझ में आया, जेड हो गया। एटॉमिक मास को हम लोग एएमयू कहते हैं, या ग्राम पर मोल। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। मास को बाबू, एटम के मास को कैसे नापोगे, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू है ना। एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। बेटे वीडियो ऑन करो जी, अनुज बाबू क्या, अनुज ऑन करो जी, ठीक। लर दिख रहा है पहला नंबर बाबू शुरू करो, पहला कौन है जी, हाइड्रोजन, लिखना शुरू करो बाबू। हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है ना। यस सर। दूसरा हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, हीलियम का सर एच ही होता हीलियम है, तो हाँ नोबल गैस है ना? कल ये ने बताए हैं। तीसरा हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है बाबू, लिथियम एल आई। चार में क्या होता है जी, शांत बाबू जल्दी से लिखो जी, भरो बाबू, बोलो ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए। चार क्या होता है, बरेलियम। फिर यस सर, फिर बोरोन होता है, फिर बरेलियम होता है, सिंबल क्या बोरोन। होगा, बी। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, भरो इसको, इसको भर रहे हैं। 5 नंबर में होता है बोरोन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर जल्दी लिखे रोशनी बाबू, रोशन कीजिए, बोली बोरोन का बी इसको होता। लिखना है सर, ये तो दिमाग में लिखा हुआ है। लिखिए चुपचाप। ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो, बिट्टू बाबू ऑन करो। ये ज्योति स्कूल वाला ऑनलाइन नहीं है बाबू, कि पीछे वीडियो बंद करके डांस करो, यहाँ सिस्टम पे मैसेज देता रहता है, ज्योति वीडियो ऑफ है ना, बिट्टू का ऑफ है, स्कूल वाला नहीं ना, कि जैसे पीछे जाके डांस करो। के का कार्बन होता है, लिखो रोशनी।
ज्योत जलाने की कोशिश करो। एटॉमिक नंबर सेम ही हो जाएगा, जो 1 2 3 4 होता है देख हाँ, रहे, तो 1 2 3 कार्बन है, नाइट्रोजन है, फोर और फिर नाइट्रोजन का एन होता है। एटॉमिक मास में लगभग में तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, और फिर 6 या 7 ऐसे पीसेस मिलके ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का वो होता है, सारे बच्चे को याद होना चाहिए बाबू। 9 में बाबू क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ईशांत हाँ जीवित है सर, बाबू। बचपन से सर। फ्लोरीन का एफ होता है। 10 में नियॉन होता है। एटॉमिक नंबर तो ए भी 1 2 3 से ही होना हाँ, 10 नियॉन हो गया, 11 सोडियम होता है। ठीक है सर, ये सब पढ़ने का चीज थोड़े मिलता है। यही सब आपको नहीं आएगा, अभी इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना? केमिकल कम्बिनेशन पढ़ी हो? सही फिर बात। से आप पढ़ा हुआ है सर, अब केमिस्ट्री का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। एटॉमिक का स्ट्रक्चर हम नहीं ना पढ़ा रहे हैं जी, सोडियम हो गया। क्या क्या एटॉमिक का स्ट्रक्चर नहीं ना पढ़ा रहे हैं? हाँ, कल तक तो आप वही पढ़ा रहे थे, एटम्स एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बता रहे थे। अरे का स्ट्रक्चर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, 13 में एल्युमिनियम हो गया। वही सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक पहले वाला चैप्टर है। एल्युमिनियम के बाद बाबू पढ़ो बाबू, ये आपका 14 हो गया। सिलिकॉन 14 कौन होता जी? सिलिकॉन सर वो होता, तो दिया ही लिख होता है, 14 सिलिकॉन होता है। SI, रहा, फॉस्फोरस 15 आपका फास्फोरस। हम लोग 30 तक पढ़ेंगे। फास्फोरस वनाडियम का वी ऑफ का होता है कि वी है सर। इसके बाद सल्फर, फास्फोरस के बाद सल्फर। 20 को हटेगा जी, 10 को उधर हटाएंगे। 16 नंबर सल्फर, लिखो रोशनी, याद होना चाहिए रोशनी। फिर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, फिर क्लोरीन, सीएल, नेक्स्ट बाबू। ज्योति, ज्योत जलेगा कि नहीं है जलेगा, टेंशन नहीं देती है। आर्गन, AR, 19 में पोटेशियम, पोटेशियम का K होता है। सल्फर जी कैल्शियम, हम लोग 30 तक पढ़ेंगे। जी सर, आपको ये पहले बताना चाहिए था, लैटिन में बैलेंसी। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, भोला भर दो झोला। इसका एटॉमिक नंबर कौन कलर से लिखे? ग्रीन कलर से लिखा। एटॉमिक नंबर बाबू 1 होता है हाइड्रोजन का, याद रखना, ये बहुत जरूरी होता है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक। अब एटॉमिक मास में क्या करना है ना, लगभग दुगना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन जनरली दुगना होता है, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है एटॉमिक मास। सब में नहीं, सर और कुछ कुछ छह में सात अपने, ठीक केस में बस प्लस करना होता है, इनटू 2 प्लस 1। है ना, कुछ कुछ में दुगना होता है। इसका 1 1 हो जाएगा, और हीलियम का कितना होता है बाबू? रॉड का चार दुगना हो जाता। होता
इनका दुगना में एक रहता सब है में ना। दुगना नहीं होता, सब में दुगना नहीं होता, कुछ कुछ एलिमेंट में होता। आपको बाबू देखोगे पीरियोडिक टेबल तो वहां डेसिमल में रहेगा, डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल में राउंड फिगर करके लिखोगे भोला, है ना, तो 4.0 ये 4 के बराबर हो जाएगा, और ये लिथियम का कितना होता है, 7 हो जाता है। दुगना कुछ कुछ में आपका एग्जैक्ट दुगना होता, बाकी दुगना के थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसी के आसपास होता है। और जैसे इसका नंबर निकाल टू से एग्जिट क्या लिखेंगे? 6.9 है, तो इसको नियरली 7 कह सकते हो, ये नियरली इक्वल टू है। जैसे बेरिलियम है तो सेवन बेरिलियम का लिखेंगे अपना तो भी सही होगा, या 6.9 लिखेंगे ना, तो भी सही होगा? ये 7 लिखो या 6.9 करो, दोनों सही है ना। नाइन पॉइंट मार्क्स जीरो वन है एक, मिलेगा ना सर? हाँ बाबू ये 9.01 बेरिलियम का 9 हो जाएगा, है ना। बोरन है बाबू, बोरन का ठीक ये नियरली इक्वल टू है, ये सिंबल होता है एगो नीचे, ऐसे नियरली इक्वल टू इसको कह सकते हो। 10 पॉइंट राउंड फिगर करोगे तो 11 आ जाएगा, राउंड फिगर करोगे तो 11 आ जाएगा। कार्बन है, कार्बन का आप लोग का होता है 12.1, तो ये राउंड फिगर वाले याद रखना, कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, इसको ध्यान रखना। गुनगुन काहे बंद कर ली बाबू, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14.00, पॉइंट में थोड़ी यूज होता है। हाँ तो ये 14 हो गया नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का हम लोग 16 लेते हैं सर, डायरेक्ट लिखिए ना, 7 9 11 12 13। 15 होता है सर, 15 होता है। हाँ तो 15.99 इसको करोगे तो 16 हम लोग लिखेंगे, कौन सा यूज करेंगे, 16 यूज करेंगे, डेसिमल नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्लोरीन का 18.9 है, फ्लोरीन का कितना होता है 18.9 है, 18.9 है, तो फ्लोरीन का करोगे तो 17 यूज करना। राउंड फिगर आता है ना करने, जी बचपन में सिखाए थे ना। सर आपका इमेज क्लियर नहीं आ रहा। सर क्या हो गया गुनगुन, 20.17 किसका कुछ नहीं सर, हमको क्या होगा? नहीं क्लियर आ रहा है आपका, ज्योति कोची यस सर, आ अब रहा है, क्लियर कोची हुआ। बोल रहा है। सोडियम का बाबू 23 होता है, सर बाईस एग्जैक्टली पॉइंट लिखिए ना, अच्छा ऐसे तो एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाएंगे सर। नहीं, आपको ये वाला याद रखना, लिखो लिखो एग्जैक्ट करोगे तो 23 हो जाएगा सर सोडियम का, ठीक। तो हाँ हम बाबू क्या, सर 18.99 का राउंड फिगर 17 होगा? ना बाबू, सॉरी बाबू 19, इसको 19 का, सॉरी बाबू 20.17 है ना, तो फिर राउंड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम का 24 हम लोग लिखेंगे, मैग्नीशियम का करोगे नियरली तो हम लोग 24 यूज करेंगे। एल्युमिनियम का बाबू 27 यूज करते हैं, 27 यूज करते हैं, और सिलिकॉन का 28 यूज करेंगे, फास्फोरस का 31 यूज करते हैं, ठीक। सल्फर का 32 लिखेंगे, लगभग दुगना, दुगना के आसपास, उसी से कम एक ज्यादा। सर बस कैंडियम का बता दीजिए ना, मैं लिख लूंगा कैंडियम का अच्छा जी बता। क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5, क्लोरीन का हम लोग 35.5 याद करेंगे। आर्गन है, आर्गन का 40, आर्गन का 40, थर्टी और कैल्शियम का भी 40, नाइन सर 39.5 पोटेशियम का 40, सर, उसको 39 ही मानिए सर। सर इसको वही पोटेशियम को 39 करो जी, पोटेशियम को 39 है, कैल्शियम को 40। सर स्कैंडिंग का बता दीजिए ना सर, एक और मैं लिख लूंगा तो स्कैंडिंग नेक्स्ट 21 नंबर, जल्दी लिखो जी 21 नंबर। आज से तन बहुत सारा, तीनों यश गायब है, श्रुति गायब है, शिवानी गायब है, अशांतनी वह गायब है, जल्दी लिखिए जी, याद होना चाहिए बाबू 1 से 30 तक के। आगे बाबू 31 वाला करेंगे हम लोग, 21 वाला करेंगे, उधर तो सर जग है नहीं एटॉमिक भोला। हाँ नंबर के साथ एटॉमिक मास भी याद रहना होगा। तो मास याद करेंगे तब ना आगे बाबू, आपका ये कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब आइटम का मास है। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है।
सर शायद। अच्छा बाबू कोई दिक्कत है, हम लोग ग्राम पर मोल में यूज करेंगे। तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। इक्कीस नंबर अब हम लोग चलेंगे। सर इसका स्कैंडियम का प्लीज ये मतलब है ना ये मास नंबर। काहे शांतनी बाबू अप डाउन काहे कर रही हो जी? सर मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे कजिन्स लोग कर। सर इसका लैटिन नेम नहीं बताएंगे? पोटेशियम नहीं वो लैटिन नेम आइटम का कुछ कुछ का आपको बता देंगे है का ना, इतने नहीं उतना नहीं हम लोग करेंगे बाबू, उतना करेंगे याद भी नहीं रहेगा, यूज भी नहीं है। क्लास 12 तक बाबू आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूज होता है, सिंबल यूज होता है, लैटिन नेम नहीं यूज होता, उतना याद रखेगा जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाले ले बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। मैम बैलेंस करने बता रही थी, समझ में अच्छा नहीं कोई आया। दिक्कत, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर करो ना बाबू, हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे ना, डायरेक्ट बैलेंस करे ले बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, हम लोग स्मार्ट मेथड से बैलेंस करते हैं। सुबह बताएं आपको भी बता देंगे, जल्दी लिखिए। सर स्कैंडिंग का पता दीजिए ना सर मास नंबर। लिखो ना जल्दी जी, बता रहे हैं जी, सारा लिखा रहे हैं, जल्दी कीजिए। सर बना लिए सर बता दीजिए, इतना जल्दी थक गया सर। लिख ली संजना? चलो लिखी अच्छी बात है। नेक्स्ट हो गया, 21 में चलेंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे? 21 में, जल्दी सर रुकिए करो, जल्दी करो बाबू। इक्कीस क्या होता है? स्कैंडियम होता है, वैनेडियम है, टाइटेनियम है। हाँ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका एक चैप्टर है एटॉमिक का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें अभी आप हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल साइंस, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना, मोल्स पढ़ेंगे, कैसे मोल्स वगैरह निकालते हैं। लिखो बाबू जल्दी लिखो जी, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 34 तक लिखिए जल्दी से। हाँ बाबा धाम, वीडियो ऑन करो जी, कहाँ दीजिए बाबू? नेक्स्ट 21 नंबर, 21 नंबर में क्या बाबू? स्कैंडियम है क्या बाबू? स्कैंडियम है। सिंबल क्या होता है? SI होता है। ठीक 22 नंबर में क्या बाबू? सर स्कैंडियम का क्या बता स्कैंडियम का बाबू SI नहीं होता, सर, आप सिलिकॉन का लिख दिए थे एसआई। SC होता है। स्कैंडियम का क्या होता है बाबू? SC एससी होता है। सर एससी ही होता है सर। हाँ बाबू नेक्स्ट बाबू, 22 नंबर कौन है जी बाबू मेरा? टाइटेनियम, टाइटेनियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का क्या होगा जी? TI। 23 नंबर क्या बोला मेरा? वेनेडियम सर है। 23 नंबर क्या बाबू? वेनेडियम है। वेनेडियम का सिर्फ आपका भी होता है। 24 नंबर आपका क्रोमियम बाबू, 24 नंबर आपका क्या है? क्रोमियम है। 24 नंबर क्रोमियम है, क्रोमियम का CR होता है। 25 नंबर बाबू मैग्नीज होगा। मैग्नीज, मैग्नीज का MN होता है। 26 है लोहा है, 26 आयरन आपका लोहा है, Fe, याद रखना बहुत यूज होता है। यस 27 नंबर आपका बाबू कोबाल्ट, कोबाल्ट भोला याद रखना बाबू मैंगनीज का मेरे, स्पेलिंग रॉन्ग है सर, सर कोबाल्ट क्या होता है? यमी एन जी यमी एन होगा सर, यमी एन MAN, सर एम ए एन
जी ए एन जी ए एन ई एस सी। अच्छा चलो ठीक है, आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल सर। कोबाल्ट का सीओ होता है। सर नेक्स्ट बहुत सारे का इसको याद रखना, इसमें कंसेप्ट ज्यादा नहीं है ठीक है ना, इसको आपको याद करना है, गेट बाय हार्ट करना। 28 आपका नेम, एक क्वेश्चन है क्या बोली, बोलो ना बाबू। तो जैसे कि सारे एलिमेंट का नेम है उसी से वो लोग का सिंबल है, बट आयरन का अलग है, उसका एफ ई है, आयरन अलग है, पोटेशियम का अलग है, बहुत सारे का अलग अलग है ना, अलग अलग है, सोडियम का अलग है सर, क्यों? बहुत सारे का। अरे मैच कर जाएगा ना वो, सोडियम का एस, मान लो सोडियम है तो सोडियम का एस मरकरी लिखेगा, का भी अलग है सर, सोडियम का एस लिखेगा तो एस से तो सल्फर भी होता है ना, तो और इसीलिए वो उस दो जर्मन नेम भी है सर, एक डब्लू वुल्फ्रम वो जर्मन है, बाकी सब लैटिन है, और एक लैटिन और नेम कोई होता है सर, जर्मन लैटिन नेम होता है उसका सर, ये। हाई वुल्फ्रम लैटिन नहीं है सर, वुल्फ्रम जर्मन नेम है, दो अच्छा, जर्मन उन्तीस नेम कौन, की तरह ही हुआ उन्तीस कौन है जी, कॉपर है, उन्तीस कौन है, कॉपर, कॉपर। कॉपर का सी वो, यू 30 आपका थर्ड जिंक, जिंक का जेड एन हो गया है ना, ठीक बोले, इतना याद होना चाहिए। स्कैंडियम 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। अब उसका एटॉमिक मास लगभग दुगना से लगभग, याद रखो यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा, इतना तक तो आसान था। स्कैंडियम का 44 है, 45, टाइटेनियम का बाबू 22 है, टाइटेनियम का 47, 40 से नया 7 है तो 48 ही, इसको याद रखो। वैनेडियम बाबू, वैनेडियम आप लोग को दिया हुआ 50 है, 51 याद रखो। मैग्नीज है 55 कर दो, मैग्नीज का 55 कर दो, 54.93 है। आयरन है 56 करो आयरन को, कोबाल्ट है 59 करो, क्रोमियम बाबू, क्रोमियम का एक कॉमन ये, वैनेडियम बाबू, वैनेडियम का हो गया 51, 51 और 52 ये 52 क्रोमियम का, मैग्नीज का आपका हो जाएगा 55, आयरन का आपका हो जाएगा 56 याद रखो, कोबाल्ट का आपको बाबू 59 याद करो, 59 और आपका कॉपर का 63.5, और जिंक का 65, निकेल का भोला 58 है ना, 58.7 है तो 59 निकेल भोला याद रखो। कॉपर का 63 है, 63 होता है 0.5, और जिंक का 65.65 है याद रखो। तो इतना आपको ध्यान रखना, तो मैग्नीज का 53.5 जी होगा ना सर, मैग्नीज का 53.5 होगा ना, 55 है, मैंगनीज का कितना है 55 है, जल्दी लिखे बाबू। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये आपको बाबू 2-3 का चीज है ना, ये आपको बताना चाहिए था, नहीं बताया गया बाबू, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, इस डाटा को आपको, फैक्ट को याद रखना। कहाँ घूम रहे हो शांतनी, ये तो परेशान करके रख दिए जी सर, कहीं नहीं घूम रही हूँ। इतना मोबाइल हिल कैसे रहा है जी, लेके बैठ के पढ़ा नहीं जाता बाबू, खाली लेके डांस कर रही आराम से बैठ के पढ़ रही हूँ, मेरी वो कजिन जो है ना वही माइक्रोफोन ऑन कर दे रही है इसलिए उससे हटा रही हूँ। कई साल का कजिन है जी सर वो 10 इयर्स 10 साल के बोलिए। अनुज आया है, आर्यन आया है, बिट्टू आया है, गौरव कहाँ गया जी, यहाँ श्रुति नहीं आई है,
अटेंडेंस फोन किया जाए श्रुति, 29 तारीख है जी। श्रुति नहीं है, संजना कहाँ है जी? हाँ यहाँ, अंशुजीत, इसका तो अभी बाबू हाथे पैर ब्रेक है। रौनक है, निकू है, लव है, शांतनी है, ईशांत है, रोशनी है, मिष्टी है, गुनगुन है, और शिवानी का नहीं नाम है जी, शिवानी छुट्टे ले बोली। शिवानी, आपका भी नाम चढ़ा दे बाबू ज्योति। अटेंडेंस का हम लोग प्राइज देते हैं, 30 में 30 दिन रहोगे तो 200 प्राइज है अटेंडेंस का। बच्चा 30 में 30 दिन क्यों आएगा बाबू, कुछ मोटिवेशन चाहिए ना। सबसे टेस्ट लेंगे सर, वो नहीं बोल रहे सर। अरे शैतान, टेस्ट क्या होता, वो तो ऐसे ही होता बाबू, इजी क्वेश्चन होता। यस सर, सर हमको भी हम ज्वाइन टेस्ट दे कर चुके हैं, इजी होता हिस्ट्री में सर, तब भी तो नहीं टेस्ट हो था। पाता। चलो आपका ज्योति बाबू डेली क्लास आना है, समझे ज्योति। सर कल लेट हो सकता है थोड़ा। सर अरे शैतान, बार बार समझाते बाबू, अगर सक्सेस करना तो इतिहास के लिए। मेरा सर मेरा भाई नहीं आएगा तो हम कैसे आएंगे उसको छोड़ के। बोलो उसको कि हमको क्लास करना रहता है 6 बजे, जल्दी चलो, सर आने तो चाहिए। बोलेंगे तो सुनाने लगता है पूरा। यस सुनाने लगता है, सर, बनता नहीं है ना। अच्छा तो मम्मी जी से बात हमको करवाएगा, अपना मम्मी जी से हम बात करते हैं। लिखो जल्दी से, आपके पेरेंट्स से बात करते हैं बाबू, वैसे थोड़ी होता है बाबू। करना है तो क्लास सिंसियर होकर करना, नहीं करना तो नहीं करना, है ना। ठीक जल्दी लिखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, आगे हम लोग लाओ बाबू क्या पढ़ेंगे, केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे। केमिकल कम्बिनेशन जैसे मान लो कोई, बाबू आपको लिखो ना जल्दी से, समझा रहे हैं। हो गया सर। नेक्स्ट बाबू, इतना आपका बेसिक था, इतना समझ में आ गया तब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। आप कुछ नहीं है, 4 क्लास खाली बेस तैयार करने में लगता है, आइटम सर तो मॉलिक्यूल्स आयन बैलेंस करना नहीं सिखाएगा। सिखाएंगे, भोली भैलन से हर एक चीज आपको वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारा बताएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा बताएंगे, 26 का 25 का, सब चीज का एक अथी होता है, चैप्टर होता है ना बाबू। अभी भैलन से सिखाएंगे तो हम लोग लिंक से डाइवर्ट हो जाएंगे ना, सारा सिखाएंगे। और तेजी से पढ़ना है तो सुबह, अभी 2 दिन में चाहोगे बाबू पंडित होने के लिए तो थोड़ी होता। नेक्स्ट टॉपिक बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ना है, आइटम मॉलिक्यूल्स पढ़ाना जी आपका बाबू। इसमें जो चैप्टर आइटम मॉलिक्यूल्स साइन में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। नेक्स्ट आपका क्या पढ़ना बाबू, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसको समझाते हैं। लॉ ऑफ बाबू क्या है, केमिकल कम्बिनेशन, ये क्या कहता, तो दो वो लॉ है, देयर आर बाबू टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, है ना। लेवोजियर था, कौन था, लेवोजियर था, उसने बाबू क्या किया, दो गो ला दिया केमिकल कम्बिनेशन का, कई गो ला दिया, दो गो है ना बाबू, दो ला दिया, क्या दिया बाबू, दो ला, देयर आर बाबू टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, देयर आर बाबू लॉ कांस्टेंट टू प्रोपोर्शन। ला हो गया बाबू ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। एक्सप्लेन करते हैं, सारे को लॉ ऑफ समझाते हैं, केमिकल कॉम बताते हैं बताते हैं बताते हैं, हेडिंग का मतलब बताते हैं, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ। फर्स्ट ला बाबू क्या बाबू, फर्स्ट ला बाबू दो ला है बाबू, केमिकल फर्स्ट ला बाबू क्या, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, पहला नियम क्या कहता है, जैसे न्यूटन का 3 वो ला है ना बाबू, है ना। फर्स्ट फर्स्ट ला क्या बाबू, ला ऑफ लॉ। कंजर्व, हाँ ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल सेकेंड लॉ। लॉ ऑफ बाबू कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, समझाते हैं क्या यस सर। होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये सब एलकेजी का बाबू है ना, इसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। न्यूटन्स का का क्या कई सर, गो लॉ है ये बाबू, एलकेजी का आपको लग रहा है? सर अरे तो हम लोग ये सब 5 6 में पढ़ाते हैं, जो बच्चा 8 से 9 वाला बैच में है ना, उसमें आइए कभी, आपको टाइम बचता है, आइए 8 से 9 में देखिए फिर। क्या सर, हम लोग सर 9th में आके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और आप 5th क्लास में पढ़ाते हाँ बाबू, कंसेप्ट क्लास है ना, जो बच्चा मान लो क्लास 2 में ज्वाइन किया है,
उसको हम 3 साल क्या करेंगे, पैसा थोड़ी लूटेंगे कि धीरे धीरे पढ़ाई तो चल के खत्म करेंगे। सर हो गया सर, बहुत हो गया। अरे 8 बजे आओ तो सही। देखो अब इसको हम लोग समझाते हैं ना, समझाते हैं। न्यूटन्स का कई गो ला होता बब्बू? 3 लॉ सर। एगो चौथा ला निकला है, पता नहीं है कौन से सर। सर न्यूटन तो मर गया ना। हाँ बोले सर, एक लॉ होता है ना, गे लुचाक लॉ, इस तरह का एक लॉ होता है। कैसे करता है? नहीं जी, न्यूटोनियन लिक्विड जानते हैं। अरे गे लुचाक लॉ होता है ना सर। अरे वो छोड़ो ना जी, ऐसी कमेंट था बाबू है ना, न्यूटन्स का फोर्थ लॉ। क्या बाबू? कि कोई भी बुक बाबू, जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में मेंटेन करेगा जब तक उस पे बाहर से क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया जाए, है ना। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, ठीक। yes. तो उसी तरह से फोर्थ लॉ क्या कहता है बाबू, कोई भी बुक है बाबू या कोई भी कॉपी है वो अलमीरा पे क्या रहता, पड़ा रहता, ठीक है ना। फोर्थ लॉ न्यूटन का क्या कहता है, आप लोग स्टूडेंट हो ना जी, समझ में आ जाएगा। कोई भी कॉपी है चाहे बुक है वो क्या रहता आप लोग के लिए, अलमीरा पे पड़ा रहता है। कब तक पड़ा रहता है? कब तक? जब तक बाबू है ना बाहर से बाबू कोई एक्सटर्नल है ना एग्जाम नहीं आ जाए, है ना, तभी वो वहां से क्या होता उस पे क्या होता सर, जरूरी नहीं है सर कि एग्जाम ही में निकालना है सर। हाँ वैसे होता है बाबू, जनरली वही होता है। जो न्यूटन का फोर्थ लॉ, कोई भी किताब बुक पे बाबू है ना क्या होता है उस पे डस्ट पड़ा हुआ रहता है ना, ठीक। कब तक डस्ट रहेगा वो? वह तब तक डस्ट रहता है जब से बाबू है ना, जब तक आप पे कोई मेंटल प्रेशर, एग्जाम का कोई मेंटल प्रेशर नहीं हो जाए। तो ये आपका सर, न्यूटन का भी सर है ना, स्कूल में बुक ले जाना पड़ता है सर, धूल कभी जमता ही नहीं है। मेरा वाला पे तो जमा हुआ है भोला बाबू, आप लोग का जो भी नोट्स बनवाए है ना सर, स्कूल जाइए। मेरा क्या गलती सर। चलो अच्छा बाबू, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको पहले समझाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो इसको समझाते उसके बाद लिखाएंगे, इतना लिखो फिर समझाते इसको। लिखो इतना, सर, न्यूटन तो नहीं दिया था ना सर ये फोर्थ लॉ। हाँ अरे न्यूटन नहीं दिया, ये आपको बताए हैं मजाक में। न्यूटन नहीं दिया है ना, इसको लिखो ना, समझा रहे हैं इसको। समझी बाबू रोशनी, न्यूटन का फोर्थ लॉ क्या बाबू, किसी भी बुक पे बाबू है ना धूल कण पड़े हुए रहते, कब तक पड़ा हुआ रहता बाबू, जब तक आप लोग का है ना एग्जाम का प्रेशर नहीं आ जाए। चलो लिख लिया इसको, इसको समझाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर आप मुझे लॉरेंस फार्मूला कब बताएंगे, मेरा एग्जाम आ रहा है सर। मुझे फोटो खींच के भेज देना, मुझे सेट से रिलेशन पढ़ना है सर। सर सिलेबस भेज दो मैथ का, भेज दीजिएगा बाबू। मुझे सेट से रिलेशन पढ़ना है सर। मास इज बाबू, मुझे सेट से रिलेशन करना है सर। अच्छा जी, मास इज बाबू नाइदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इज बाबू नाइदर क्रिए, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, मास इज बाबू नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास इज बाबू नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यही कंजर्वेशन ऑफ क्या मास है। मास को हम लोग क्या कर सकते, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है सर, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन रूप टू है ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म होता है एक से दूसरे रूप में। उसी तरह से बाबू मास क्या होता है, इसको हम ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ वो डेट इज, कहने का मतलब क्या बोला है ना, कहने का मतलब क्या हुआ वो, किसी भी बाबू कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा। देयर इज बाबू डेट इज, कहने का मतलब क्या हुआ बोला, देयर इज नो चेंज इन मास, देयर इज नो चेंज इन मास, है ना बाबू, देयर इज बाबू नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ सर, केमिकल रिएक्शन शैतान। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी बना बाबू H प्लस O प्लस H क्या बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, H2 प्लस O2 यही मिलेगा है ना, क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक सर है ना बाबू, ठीक ऑक्सीजन भी टू कहाँ गया सर,
बैलेंस नहीं है बताते सर। हैं ना। अच्छा ठीक है बताते हैं, अरे बैलेंस बताते हैं ना नहीं जी, शांत रहे। नेक्स्ट बाबू, कितना बज गया जी? सो गुड मॉर्निंग बोल, अभी तो बहुत टाइम। इधर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इधर जो साइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और ये आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट होता। कैसे? ठीक, इसको बैलेंस करो बाबू, तो बैलेंस करेला आपको बताएंगे है ना। अभी हम आपको OH केमिकल रिएक्शन नहीं टू पढ़ा। प्लस ओ यहाँ दो टू हाइड्रोजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे दो डाल दो, तो यहाँ पे दो डाल दो। OH2 होगा। अब आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया है ना। तो यहाँ पे बाबू क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। अब समझना, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बाबू? कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन लाया। अब समझे यहाँ से, लिखो इसको जल्दी, लिखो जी, समझा देते हैं इसको पहले, जल्दी लिखो। देख ए लिया सर। गुनगुन, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? गुनगुन हाँ सर, आता है समझ। रोशनी काल रो रही बाबू, ये खाली रोते रहती है रोशनी। यस पैसा नहीं मिलेगा बाबू, मिलेगा पैसा बोल देंगे, टेंशन मत लीजिए, बोल देंगे। विपिन को भी दे देना 10-8, 10 हजार, जिसका जिसका भाई कमाता है बाबू, आप लोग कहते बल्ले बल्ले। जल्दी लिखो। सर, भाई कमाए या ना कमाए पर लेकिन देने वाला नहीं, कंजूस होता है एक नंबर का, होते अच्छी बात है, हुए भी बिल्कुल। नहीं देता है। सर, आप क्या देती हो बोलिए? दोनों हाथ से ना ताली बजता है जी। वाह सर वाह। आप कभी भाई को जाके पैर दाबी हो कि हाँ मेरा प्यार है भाई आला, पैर दुख रहा दाब देते हैं मुंह में नहीं करके, कभी खाने सर, के वो लिए? जो बोलते हम कर भी देते हैं। दोनों हाथ से ताली बजता। आप बाबू उसको ठुकराओगे तो वो आपको थोड़ी अधिक करेगा। नेक्स्ट बाबू, अब सर इसको कहाँ से समझो। लाइन लाए सर? देखो बोला, लॉ ऑफ हाँ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आप शांति समझना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ सर, तो ये क्या हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो कहता बाबू ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड जितना मास रहेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, उतना ही मास क्या होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। उतना ही मास क्या होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। मास हमेशा क्या होता है? कंजर्व रहता है, मास कभी बदलता नहीं है। जितना टोटल मास बाबू रिएक्टेंट साइड है, इसका मास निकालेंगे, अभी निकाल के बता रहे हैं आपको, और इसका सारे एलिमेंट का मास, आइटम का मास निकालेंगे, तो दोनों साइड मास क्या होगा? सेम होगा। दोनों साइड मास क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि मास मेरा क्या होता है? कंजर्व होता है, मतलब मास मेरा वो नहीं बदलता। तो इसी भाषा को कैसे लिखा है इंग्लिश में है ना, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो चेंज इन मास बाबू ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड बाबू इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। अगर इसको और लिख सकते हो और समझ सकते हो, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मास अगर चेंज नहीं कर रहा, तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास क्या होगा? प्रोडक्ट का होगा। तो इसको अगर और अगर आप कह सकते हो थोड़ा सा, तो इसको लिख सकते हो टोटल मास बाबू है ना, और थोड़ा सा समझना है तो टोटल मास बाबू ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो जितना मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यही ना रिएक्टेंट है जी, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, ये को मत समझना, ये पूरा रिएक्टेंट है। इक्वल टू व्हाट बाबू? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया सर? अच्छा एक मिनट एक मिनट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या सर? अब किस दिन के लिए? अभी आपको मास पढ़ाए, किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए। इधर मास ऑफ रिएक्टेंट साइड निकालो, इधर टोटल मास निकालो, यहाँ का टोटल मास निकालो, तो मास किस दिन के लिए पढ़ाए? ये हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक होता, एक गो हाइड्रोजन आइटम का मास कितना होता है? वन होता। तो कई गो हाइड्रोजन आइटम है? दो गो। अरे शैतान, एक हाइड्रोजन आइटम का मास 1 यूनिट, 1 mu, तो दो गो का दो हो जाएगा, तो दो आगे कितना है? दो है, तो 2 × 2, ये किसका हो गया? मास हो गया हाइड्रोजन का। इसका मास निकाल दो, ऑक्सीजन का मास अभी बताएं बाबू 16, ऑक्सीजन का कितना बताएं? 16, तो दो ऑक्सीजन आइटम कितना होगा? 16 × 2 = 32 है ना, amu कर दो। अरे शैतान, अभी हम किस दिन के लिए पढ़ाए एटॉमिक मास? इसी दिन के लिए ना पढ़ाए जी, इसी समय के लिए ना पढ़ाए थे जी। हाइड्रोजन का कितना? एक, तो यहाँ दो हाइड्रोजन आइटम है तो दो हो गया, और दो आ गया तो दो दूना दो है ना, एक ऑक्सीजन आइटम का 16, तो दो का ना ऑक्सीजन आइटम है जी, तो दो का कितना? 16 × 2 = 32, इसको करोगे कितना हो जाएगा? 32 अचार 36 हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा? 36 amu हो जाएगा।
एमयू मतलब यूनिट है, जैसे सब्जी लाते तो कैसे कहते हो 1 किलो 2 किलो सब्जी दे दीजिए, तो उसी तरह से जो मास आइटम का निकालते हैं एमयू में निकालते हैं ना, यूनिट हो गया है ना। कपड़ा लाने जाते तो 5 मीटर कपड़ा दीजिए है ना, तो मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो उसी तरह से मास का क्या हो गया, यूनिट हो गया एमयू। इसी तरह से इसका निकालो, इधर मास निकालो, तो हाइड्रोजन का कितना सर, हाइड्रोजन का कितना, एगो हाइड्रोजन का एगो, दो गो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का कितना सर, 16। ऑक्सीजन का कितना, 16, तो 2 प्लस 16 हो गया है ना। ठीक, 22 नहीं हो, नेक्स्ट बाबू आगे दो है, तो ये जो दो मल्टीप्लाई होता है दोनों आइटम के लिए, ये जो मल्टीप्लाई होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आइटम के लिए, तो इसके आगे दो है ना, तो इसके आगे क्या कर देंगे, दो कर देंगे। तो ये 16 18 16 प्लस 2 18 18 2 कितना हो गया, 36 हो गया। ये क्या हो गया, 36 हो गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाबू रिएक्टेंट का जो मास होता है, यहाँ भी 36 mu आ गया। अरे एमयू कुछ हो नहीं है, यूनिट है मास को, आइटम के मास को नापने का यूनिट है। सब्जी लाने जाता था 1 किलो सब्जी दीजिए, 2 किलो सब्जी दीजिए, तो किलो क्या है, यूनिट है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, एमयू क्या है, यूनिट है। तो रिएक्टेंट का भी कितना हो गया, 36। सर रिएक्टेंट रिएक्टेंट का भी कितना हो गया, 36 mu, और प्रोडक्ट का भी कितना हो गया, 36 mu। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही ना मास है प्रोडक्ट है बाबू। मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ ना, हाइड्रोजन लाए सर, पानी लाए, हाइड्रोजन लाए, ऑक्सीजन लाए सर, मिला दिए दोनों को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया सर, तो मेरा क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये हाइड्रोजन गैस है सर, ऑक्सीजन गैस है सर, मिला दिया तो पानी मेरा लिक्विड बन गया सर। तो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तो रिएक्शन हुआ लेकिन क्या रह गया, मास आपका क्या रह गया, कॉन्स्टेंट रह गया, मास क्या हुआ, बदला नहीं। तो यही मेरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर समझना है, दूसरा समझना हम सर। लोग को तो एक, हाँ दूसरा दूसरा समझना है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन लो, सीओ टू बनेगा उसका, देखो दूसरा समझना बाबू। ज्योति चल गई जी, समझ सर टाइम हो गया। नो सर। में आता है ज्योति, थोड़ा थोड़ा जी, तो जी सर। मम्मी से बात कब करवाइएगा, कार्बन प्लस 9 बजे हाँ 9 बजे आ जाइएगा। सर कंप्लेन मत करिएगा। अच्छा कंप्लेन नहीं करें, कंप्लेन क्या करेंगे भाई, तो पहला दिन है ना बाबू। सर आप पे कोई विश्वास नहीं सर। C+O2 ये बैलेंस है, ये क्या बैलेंस है। अब इसका मास निकालो, तो कार्बन का कितना होता है सर, 12 होता है। अभी लिखा है किस दिन के लिए लिखेगा, इसी समय के लिए ना, अभी लिखा है था जी, हम चाहते थे वो बोला टेबल क्यों बना, इसी समय के लिए 12 mu हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता, 8 होता, 16 होता, ऑक्सीजन का 16 होता तो 2 गो है, तो 16 × 2 mu हो जाएगा। यहाँ सीओ टू हो गया, तो सीओ टू का कार्बन का कितना, 12। अब प्लस जितना आइटम रहेगा जोड़ना, 2 × 16 है ना, तो ये 12 mu और प्लस 32 mu, 12 32 कितना, 32 44 mu हो गया। तो ये रिएक्टेंट का मास हो गया, इधर निकालो, तो इधरों निकालेगा तो कितना हो जाएगा भोला, 16 12 mu कितना हो जाएगा, 32 44 हो जाएगा, 44 mu। तो रिएक्टेंट का मास बराबर क्या हो गया, प्रोडक्ट का मास। तो इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो यही मेरा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास ऑफ क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया है ना। इसके में उसके बाद हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना, उसमें और मजा आएगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, आप तालाब से पानी लेके आओ, नाला से पानी लेके आओ है ना बाबू, टॉयलेट वाला पानी लेके आओ है ना, पीने वाला पानी लेके आओ, सारे पानी का बाबू केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सेम होगा है ना। तो उसको हम लोग कल रिलीज करेंगे आगे की स्टोरी बाबू है ना, टॉयलेट वाला पानी की कहानी कल कि नहीं, क्या टाइटल है सर, टॉयलेट के पानी की कहानी कल बाबू, कल हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोले, ये अच्छा बताना, कल वाला क्लास करना नहीं भूले। अगर आपको बाबू टॉयलेट के पानी की जानकारी चाहिए तो कल की क्लास करना ना भूले, सस्पेंस है ना सर। नगर पालिका का भी ले आइएगा सर। अच्छी बात, सस्पेंस दे रहे हैं आप।